नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय हड़ताल का तीज व्रत, गर्भवती महिलाएं कैसे करें, शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं या नहीं। आप सभी जानते हैं कि हड़ताल का तीज व्रत आने वाला है। 6 सितंबर 2024 को हड़ताल का तीज व्रत रखा जाएगा। ये व्रत बहुत कठिन व्रत होता है, इसे निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को अगर आप एक बार शुरू कर लें तो छोड़ा नहीं जाता। ऐसे में गर्भवती महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं कि व्रत कैसे करें। अगर आप पहले से ही व्रत करती आ रही हैं और इस बार आप गर्भावस्था में हैं तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। अगर आप पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो आप गर्भवती महिलाएं हैं, व्रत की शुरुआत ना करें। जो गर्भवती महिलाएं व्रत कर रही हैं उन्हें निर्जला व्रत ना करें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। इससे माँ और बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, बच्चे, रोगी, गर्भवती, इन तीनों को व्रत में छूट दी गई है। गर्भवती महिलाएं क्या हड़ताल का तीज व्रत रख सकती हैं? अगर आप हालात सही हैं, व्रत रखने योग हैं तो आप व्रत रख सकती हैं। निर्जला ना रखकर फलाहार व्रत रख सकती हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है और तो आप व्रत ना रखें तो कोई बात नहीं, आप अगले साल व्रत को रख सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं और आप गर्भवती हैं, आप इस बार व्रत ना उठाएं। अब मैं बात करूंगी, क्या गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श ना करें। गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करती हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर आपको गुणवान पुत्र का वरदान देते हैं। अगर आपको छठा महीना चला हुआ है तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकती हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। आप घर पर ही विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। मंदिर जाकर पूजा करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि कई बार बच्चे का जन्म समय से पहले ही हो जाता है, इसलिए मंदिर जाने को मना किया जाता है। वैसे आप घर पर पूजा कर सकती हैं। घर पर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलेगा। इसलिए अगर गर्भवती हैं तो इस साल हड़ताल का तीज व्रत फलाहार व्रत कर सकती हैं। खाली पेट ना रहें, बल्कि समय समय पर फलों और व्रत के आहार का सेवन करें। हड़ताल का तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर व्रत करने की अनुमति दे भी रहे हैं तो भी आप गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे में महिलाएं व्रत के दौरान नारियल पानी, फलों का जूस, दूध या लस्सी पी सकती हैं। व्रत के दौरान चाय और कॉफ़ी पीने से परहेज करना चाहिए। हड़ताल का तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, रात भर जागरण भी करती हैं। गर्भवती महिलाओं को इन सब चीज़ों को करने से परहेज करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।